दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजानंद यादव मेरे YouTube चैनल BS हिंदुस्तानी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के चंद्र की तरह एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर टेढ़ा रखकर, शरीर को कमनीय मोड़ देकर इस मुरलीधर ने जिस दिन संसार में प्रथम बार प्राण फूका, वह दिन इतिहास में अमर हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली कड़कती है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। जब जीवन में अंधकार फैलता है, निराशा का वातावरण छा जाता है, आपत्ति की वर्षा टूट पड़ती है, दुख के काले बादल धमकी देते हुए गड़गड़ाहट करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की जीवन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अंधकार में जब प्रकाश की किरणें फूट निकलती हैं, तब कौन सा हृदय आनंद से पुलकित नहीं होता। साम्राज्यवाद की चक्की में पिसते हुए समाज को उसका तारणहार मिले, सत्ता और संपत्ति के शोषण से छुड़ाने वाला मुक्तिदाता मिले, गरीबों को सहानुभूति देने वाला प्रेममय हृदय मिले, गिरे हुए को खड़ा करने वाला सहारा मिले और अध्यात्म में डुबकी लगाने वाले को कोई उद्धारक मिले, तब आनंद विभोर होकर कौन नहीं नाचेगा। उस मुक्तिदाता गीता को कहने वाला, लोगों के तारणहार और उद्धारक कृष्ण का जन्म हुआ, तब सभी दुख संताप को भूलकर आनंद उल्लास में लोग नाचने लगे और वह दिन जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में अनेक अवतार हुए हैं, नवरत्नों की परंपरा भारत में है। एक गुण के लिए, एक एक तत्व के लिए, एक एक देह के लिए कई जीवन इस देश में लोगों ने अर्पण किए हैं। ऐसे भारत देश के रत्नों में शोभा देने वाले श्री कृष्ण हैं। यशस्वी राजनायक, विजय योद्धा, धर्म साम्राज्य के निर्माता, मानव विकास की परंपरा का नैतिक मूल्य को समझाने वाला, धर्म का महान प्रवचनकार, भक्त वत्सल और ज्ञानियों तथा जिज्ञासुओं की जिज्ञासा दूर करने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान, उनको अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम। जिस काल में धर्म के सिद्धांत जीवन में चरितार्थ न होकर केवल पुस्तकों में ही रह गए थे, उस काल में कृष्ण का जन्म हुआ। सत्ता या संपत्ति के बिना भी हजारों लोगों का संगठन हो सकता है। उन्होंने गोकुल में वह संगठन करके दिखाया। कसति आकर्षति इति कृष्ण है, जो खींचता है, आकर्षित करता है, वह कृष्ण। कृष्ण ने गोपों को इकट्ठा करके अपना प्रेम संपादन किया। कृष्ण के कहने पर गोकुल के लोगों ने वर्षों पुरानी इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़ दी और गोवर्धन पूजा का स्वीकार किया। इस घटना से कंस, जरासंध आदि लोगों की धारणा को बड़ा धक्का लगा। कृष्ण ने सामान्य मानव को समझाया कि जेब में भले ही दमड़ी न हो, लेकिन तेजस्विता से और निष्ठा से एकत्रित होकर सांस भी लेंगे तो जगत बदल जाएगा। भगवान का कार्य बिना स्वार्थ से करते रहो, प्रभु हमेशा आपके पीछे खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन इतना सुंदर और सुगंधित बनाया था कि जो कोई उनकी ओर देखता, उसे वे अपने ही लगते थे। वृद्धों को वे अपने पुत्र जैसे लगते थे और युवकों को अपने मित्र जैसे लगते थे, राजाओं को वे राजा जैसे लगते थे, तो भक्तों को स्वयं भगवान लगते थे। सभी उन पर प्रेम करने के लिए मचलते थे। आज भी कृष्ण हमें उतने ही आकर्षक लगते हैं। रोज रोज वही सूर्य उदय होता है, परंतु उसे देखकर कितना आनंद होता है। पक्षी उतने ही आनंद से चहकते हैं, वैसे ही जन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष आती है, परंतु लोगों को कितना आनंद देती है। जन्माष्टमी यानी प्रभु प्रेमियों के आनंद की परिकाष्ठा। भगवान श्री कृष्ण बचपन में घर घर से माखन की चोरी करते थे और वह माखन वे सब गौ बालकों के साथ खाते थे। इससे सब गौ बालक हष्ट पुष्ट होते थे। माखन यानी नवनीत अर्क, प्रत्येक घर में जो सार रूप होता था, जो कुछ अपनाने जैसे सदगुण थे, वे श्री कृष्ण गोप बालकों के सामने प्रदर्शित करते थे। इस तरह घर घर के और व्यक्ति व्यक्ति के सदगुण रूपी माखन को वे सभी बालकों को खिलाते थे। इससे उनका जीवन पुष्ट होता था।
दूसरे के सद्गुण देखते ही उनके ओर देखने की दृष्टि बदल जाती थी। इस कारण परस्पर क्लेश और कलह समाप्त हो गए थे। सभी लोग प्रेम और शांति से रहते थे। राम और कृष्ण दोनों अलग अलग परंपरा के हैं। पारिवारिक एकता को दृष्टि को सामने रखकर राम ने सामाजिक विकास का मार्ग दिखाया, जबकि कृष्ण ने सामाजिक एकता को दृष्टि के सामने रखकर समाज का नियमन किया। घमंड, झूठे, स्वार्थी और भोग लंपट लोग हमारे स्वजन हो ही नहीं सकते, भले ही वे मामा, फूफा, मौसी क्यों ना हो। जब तक वे हमारे सांस्कृतिक विकास के कार्य बीच नहीं आते, तब तक उन्हें एक कोने में बैठने दो, लेकिन यदि वे बीच में आए तो चोटी पकड़कर निकाल दो। यही कृष्ण की नीति थी। भगवान श्री कृष्ण दैवी संस्कृति के निहि स्प्रही, निरहंकारी और नम्र उपासक, संस्कृति प्रेमी पांडवों के वे सदा के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। अर्जुन के रथ की तरह उनके जीवन को भी प्रभु ही संभालते थे। आपत्ति काल के प्रसंग में और कठिन काल में वे पांडवों को बचा लेते थे। श्री कृष्ण की मूर्ति को देखने पर ऐसा लगता है कि वह मुरली कितनी भाग्यवान है जिसे प्रभु ने अपने होठों पर धारण किया है और जिससे प्रभु मधुर संगीत बहा रहे हैं। वह मोरपंख कितना भाग्यवान है जिसे प्रभु ने मस्तिष्क पर धारण किया है और उस माला के भाग्य की तो बात ही क्या कहना जिसे प्रभु ने गले में धारण किया है और हृदय से लगाया है। पास में खड़ी गाय कितनी भाग्यवान है जिस पर प्रभु प्रेम से हाथ फेरते हैं। वे सभी मूक भाषा में हमें कुछ कह रहे हैं। इन सब की मूक वाणी को भावना के कानों से सुनकर जीवन में चरितार्थ कर प्रभु के प्रिय बनकर उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान केवल भावना के भूखे हैं। भावना से रखे गए रुक्मणी के एक तुलसी दल से वे तोले गए। दुर्योधन के 56 भगों को त्याग कर उन्होंने विदुर की दी हुई भाजी प्रेम से खाई। इतना ही नहीं, जिन्होंने भावना से उनका काम करने की तैयारी दिखाई उनका छोटे छोटा काम भी भगवान श्री कृष्ण ने किया है। राजसूय यज्ञ में उन्होंने झूठी पतले भी उठाई और अर्जुन के रथ का सारथी बनकर उन्होंने उसे घोड़े को भी नहलाया। हम भी यदि सच्ची भावना से प्रभु कार्य करने लग जाएंगे तो प्रभु हमारी सहायता करने आए बिना नहीं रहेंगे। संसार का इतिहास हमेशा प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच दोलायमान रहा है। इन दोनों का समन्वय भगवान श्री कृष्ण ने किया है। गीता में तुलनात्मक विचार रखकर प्रवृत्ति और निवृत्ति के माध्यम उन्होंने बनाया है। उन्होंने जीवन का क्रम योग समझाया है, इसीलिए वे जगत गुरु हैं। भक्ति और ज्ञान जिसने जीवन में उतारा, ऐसे निष्काम कर्म योग की जानकारी श्री कृष्ण ने गीता में दी है। गीता का ज्ञान सोए हुए को खड़ा करता है, उनके विचार मरे हुए में चैतन्य भरते हैं। कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया है। गोकुल का अर्थ शरीर है। गो यानी इंद्रिया, कुल यानी समूह। इन इंद्रियों का समूह जहाँ है वह गोकुल है। इस गोकुल में कृष्ण का जन्म करो। हरी भरी घास देखकर जिस तरह गाय खाने को दौड़ती है, उसी तरह अच्छे सुख उपभोग देखकर दौड़ने वाला हमारा इंद्रियों का समूह यहाँ है। इंद्रियां दौड़ती हैं, इसलिए जीवन में अस्वस्थता है, अशांति है, गड़बड़ है। इस गोकुल में नृत्य नहीं, संगीत नहीं, मुरली बजती नहीं। यहाँ जो बेसुर जीवन चल रहा है वह एक सुर से चलना चाहिए। एक इंद्रियां यहाँ खींचती है, दूसरी वहां, और एक के बाद एक दूसरे की खिंचतान चलती ही रहती है। अनेक प्रवृत्तियां आकर्षित करती रहती हैं। जीव घबरा जाता है, मानव निर्णय नहीं ले सकता। समुद्र मंथन की तरह मानव का हृदय मंथन सतत चलता रहता है। एक कृष्ण भक्त कहता है कि सारे दिन सितार के तार जोड़ते रहता हूं, लेकिन उसमें संगीत ही सुनाई नहीं देता। सितार के तो 7 ही तार होते हैं, लेकिन इस जीवन के हजारों तार हैं। हजारों मन है प्रवृत्तियों के तार जोड़ने में ही सारा जीवन चला जाता है। हजारों प्रवृत्तियों के वे तार यदि जोड़े नहीं जाएंगे तो जीवन में संगीत कहाँ से उत्पन्न होगा। हजारों प्रवृत्तियां अंदर बैठी हैं। एक प्रवृत्ति कहती है ऐसा कर, दूसरी कहती है वैसा कर। निश्चयात्मक निर्णय हो नहीं सकता। अनंत प्रवृत्तियां यहाँ खींचती रहती हैं। इस
परिस्थिति में वह बेचारा जीव क्या करे। ऐसी स्थिति में ही कृष्ण का वह दिव्य देह जीवन में आना चाहिए। तभी कृष्ण मुरली बजाकर प्रवृत्तियों को असत हो या सत अपने अंकुश में रखेंगे। सभी विचारों को चुनकर मानव वंश के कंठ में सुंदर हार पहनाने वाले तत्व ज्ञान के महान माली कृष्ण है। कृष्ण यानी कल्याण, कृष्ण यानी आनंद, कृष्ण यानी जीवन की सुगंध, कृष्ण यानी नृत्य। जिसके जीवन में यह कृष्ण आया हो वह नाचता रहेगा, गाता रहेगा, हंसता रहेगा, मस्ती में जीवन जीता रहेगा, उदास चेहरा बनाकर रोने नहीं बैठेगा, जीवन से नहीं उबेगा। मृत्यु की परछाई में, भय की आंधी में और आशा के अमर आश्वासन में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण बालक से बूढ़े तक सभी को प्रिय हुए। बालकों के साथी युवकों के सखा श्री कृष्ण है। कृष्ण का बाल्यकाल जीवन भर रहा, वे खेलते रहे और इसलिए आज सारा संसार उनमें खेलता है। खेल में जीवन भरने वाले और जीवन को खेल बनाने वाले कृष्ण थे। यौवन के उन्माद को उन्होंने लक्ष्मण रेखा दी। उनका श्रृंगार व्यभिचार में परिणित नहीं हुआ। भोग और स्वार्थ सिद्ध न होने पर भी स्त्रियों ने उन्हें हृदय में स्थान दिया, यह एक आश्चर्य है। उन्होंने लोगों को प्रेम दिया है और लोगों का उतना ही प्रेम प्राप्त किया है। प्रत्येक मानव के जीवन में श्री कृष्ण की गीता को सांस्कृतिक माता का पद प्राप्त होना चाहिए। उसका स्तनपान करके मानव को पुष्ट बनाना चाहिए। मस्तिष्क में कृष्ण का विचार, हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम, मुख में कृष्ण का नाम और हाथ में कृष्ण का काम, ऐसा सुभग समन्वय प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। अति उत्कृष्ट जीवन जीकर दिखाने वाले और अति सामान्य मृत्यु को सहजता से स्वीकार करने वाले कृष्ण भारत के युग पुरुष हैं। जिस तरह रूजवेल्ट अपने कमरे में लिंकन का फोटो रखते थे, उसी तरह से प्रत्येक भारतीय को तेजस्वी प्रेरणा मूर्ति श्री कृष्ण का फोटो अपने मानस चक्षुओं के सामने रखना चाहिए। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में और 10 ग्रुपों में शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जहां आप चाहें वहां शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी के जीवन में आनंद, उल्लास और खुशी आए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। किसी के जीवन में टेंशन हटाकर खुशी भरना आपके हाथ में है। खुश रहो, सफल होते रहो और आगे बढ़ते रहो। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।